देखिए जी, कैपिटल गेन टैक्स जब हम निकालते हैं तो हम कोई एसेट सेल करते हैं और उसको उसकी कॉस्ट से कंपेयर करते हैं तो हमारा गेन और लॉस कैलकुलेट होता है। लेकिन बाज दफ़ा ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमने लैंड परचेज की, अब हमने 10 एकड़ ऑफ लैंड परचेज की एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000, 50,000 में हमने 10 एकड़ ऑफ लैंड परचेज की और उसमें से हमने कुछ बेच दी, 3 एकड़ ऑफ लैंड हमने बेच दी एट 20,000। प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है, अगर हम पार्ट डिस्पोजल करते हैं तो प्रॉब्लम यह है हाउ टू एलोकेट कॉस्ट, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हम पार्ट डिस्पोजल पे कॉस्ट कैसे एलोकेट करें। तो कॉस्ट एलोकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। सो ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी हमारे पास जो आएगा तो अल्टीमेटली ये बनेगा आपका व्हाट इज ए, सो ए रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ द पार्ट डिस्पोज्ड ऑफ, जो प्रोसीड आपको रिसीव हो रही है, वैल्यू ऑफ पार्ट डिस्पोज्ड ऑफ, यानी कि एक फ्रैक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बी रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ रिमेनिंग पार्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग पार्ट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। इससे हम अपनी कॉस्ट को एलोकेट कर लेंगे और फिर इस तरह से हम अपना पार्ट डिस्पोजल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एसेट हमने परचेज किया, उसकी कॉस्ट थी 2,50,000। आउट ऑफ दैट मेरी आवाज तुम लोगों को ठीक आ रही है? यस सर। ये है एग्जाम्पल पार्ट डिस्पोजल की। अब देखिए, खरीदा हमने 20 एकड़ ऑफ लैंड थी 2,50,000 की और हमने बेची सिर्फ 5 एकड़ ऑफ लैंड है 85,000 की, तो डिस्पोजल प्रोसीड तो हमारे पास है 5 एकड़ की, तो सेल प्रोसीड हमारे पास आ गई 85,000। लेकिन जब हम इसमें से कॉस्ट माइनस करने जाएंगे तो कॉस्ट हमारे पास जो 2,50,000 अवेलेबल है वो कॉस्ट अवेलेबल है 20 एकड़ की, तो वो तो हम माइनस कर नहीं सकते, तो हम 5 एकड़ की कॉस्ट इसको एट्रीब्यूट करेंगे यूजिंग दी फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट हमने ली मल्टीप्लाई बाय ए, ए रिप्रेजेंटिंग प्रोसीड डिवाइडेड बाय ए 85,000 और बी मार्केट वैल्यू ऑफ रिमाइंडर 1,90,000। So, इससे क्या आंसर आएगा, तो कॉस्ट हमने एट्रीब्यूट की है, अगर ये कॉस्ट कम है तो गेन और अगर कॉस्ट ज्यादा है तो हमारा लॉस आ जाएगा।
कितना बनेगा? सो ये हो जाएगा 190 प्लस 85, 275 मल्टीप्लाई बाय 250,000, तो ये हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 77273। तो 85,000 में से हमने 77273 माइनस किया तो हमारे पास गेन आ रहा है 7727 का। अब हमारे पास जो रिमेनिंग कॉस्ट बची, तो ओरिजिनल कॉस्ट थी हमारी 85,000, सॉरी हमारी ओरिजिनल कॉस्ट थी 250,000। उस ओरिजिनल कॉस्ट में से हमने 77273 एट्रीब्यूट कर दिया, ये हमारी रिमेनिंग कॉस्ट बच गई जो कि सब्सिक्वेंट डिस्पोजल के लिए इस्तेमाल होगी। जो बाकी लैंड है जब हम वो बेच देंगे तो सब्सिक्वेंट डिस्पोजल के लिए जो कॉस्ट इस्तेमाल होगी वो होगी 172727, दैट इज कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग लैंड। एज्यूमिंग रिमेनिंग लैंड वॉज सोल्ड, एट अ प्राइस ऑफ 300,000। तो आप इसका डिस्पोजल कैलकुलेट करें तो सेल प्रोसीड आ गई आपके पास 3,00,000, उसकी जो कॉस्ट हमारे पास बची हुई थी 172727, तो सब्सिक्वेंट डिस्पोजल पे हमारे पास जो गेन आया वो गेन हम 300,000 में से माइनस कर देते हैं, ये हमारा सब्सिक्वेंट डिस्पोजल का गेन आ जाएगा। सो 300,000 172727, 300,000 माइनस 172727, 127273। मसला हल। अच्छा एक सेकेंड, ये इंसिडेंटल कॉस्ट या एक्विजिशन कॉस्ट इनकर्ड हो रही होती है तो हमें देखना ये पड़ेगा कि इंसिडेंटल कॉस्ट जो होगी वो पहले वाले पार्ट से रिलेटेड है या इंसिडेंटल कॉस्ट जो होगी वो तमाम से रिलेटेड है। अगर वो पहले वाले पार्ट से रिलेटेड है तो पहले वाले पार्ट में से माइनस होगी, अगर वो दोनों पार्ट से रिलेटेड है तो फिर ए अपॉन ए प्लस बी के प्रोपोर्शन में उसको डिवाइड किया जाएगा और इस तरह से उसको भी एट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इशू, सो नेक्स्ट हमारा इशू है इसके अंदर, चार्जेबल गेन के अंदर इशू नेक्स्ट।